तो जैसा कि हम टेलर्स थ्योरम पे बात कर रहे थे जी, शो दैट कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस एच साइन ऑफ एक्स माइनस एच स्क्वायर अवर टू फैक्टोरियल कॉस ऑफ एक्स और प्लस एच क्यूब अवर थ्री फैक्टोरियल साइन ऑफ एक्स, एंड प्लस ये आगे सीरीज चलती जाएगी और एंड इवेलुएट सी कॉस 61 डिग्रीज। तो पिछले जो पार्ट था इस लेक्चर का, उसमें हमने ये यानी इसको प्रूव तो कर दिया, यानी बाय टेलर थ्योरम अप्लाई करके हमने कॉस ऑफ एक्स प्लस एच को इसके बराबर तो प्रूव कर दिया। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि cos 61 को इवेलुएट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, cos 61 को हम किस तरह से इवेलुएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यूं बात कर रहे थे कि अगर मैं यहां पे जो हमने प्रूव कर रखा है इसको, उसके अंदर थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, वो इस तरह से कि अगर मैं सपोज कर लूं, ठीक है, लेट से वी टेक x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज एंड h जो है वो इक्वल है 1 डिग्रीज के, जिसको अगर आप अप्रोक्सीमेट करें रेडियन के अंदर, तो 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन के अंदर करने के लिए पाई बाय 180, तो पाई ये है, ठीक है, इज इक्वल टू दिस एंड डिवाइडेड बाय 180, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.0174। तो ये आ जाएगा जी 0.01745। ये हमारे पास 1 डिग्रीज जब आप इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। देखिए, इसके अंदर हमें वैल्यूज डालनी है किस तरह से, कि cos 60 डिग्रीज, क्योंकि x 60 है, तो cos 60 डिग्रीज प्लस 1 इज इक्वल टू cos 60 डिग्रीज माइनस h यानी 1 डिग्रीज इन टू साइन ऑफ 60 डिग्रीज, यानी जहां जहां पे x है वहां वहां पे मुझे 60 डालना है और जहां पे h है वहां पे 1, और माइनस 1 डिग्री का स्क्वेयर अवर 2 फैक्टोरियल cos 60 डिग्रीज प्लस 1 डिग्री का क्यूब अवर 3 फैक्टोरियल साइन 60 डिग्रीज एंड प्लस, थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊं, तो प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा आगे। ठीक है, आप देखें cos 60 और 60 डिग्री प्लस 1, ये बन जाता है 61 डिग्रीज। ठीक है, cos 61 डिग्रीज किसके इक्वल आ गया, cos 60 डिग्रीज कितना होता है, cos 60 डिग्रीज आप यहां पे देख सकते हैं, cos 60 डिग्रीज cos, तो ये होता है 0.5 के इक्वल, तो मैं लिख दूंगा यहां पे 0.5 माइनस 1 डिग्री की जगह ये वैल्यू जो आपने इसको अप्रोक्सीमेट किया है 0.01745, ठीक है, इनटू साइन 60 डिग्रीज, साइन देखते हैं 60 डिग्रीज के ऊपर कितना होता है, साइन तो ये बनता है 0.866, 0.866, ठीक है, ये हो गया सेकंड टर्म। उसके बाद थर्ड है, मैं इसको ड्रैग डाउन करूं अगर, तो ये मेरे पास बन जाएगा, यानी इसका लिख दिया मैंने, इसका लिख दिया, अब इसका माइनस 0.01745 का स्क्वायर अवर अवर 2 फैक्टोरियल, चलें अवर 2 फैक्टोरियल cos 60 डिग्रीज, जो कि कितना बनता है 0.5, और प्लस 0.01745 का क्यूब अवर 3 फैक्टोरियल, साइन 60 डिग्री कितना होता है 0.866, और प्लस डॉट 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 डॉट, ये चलता जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको इवेलुएट करते हैं, यानी cos 61 डिग्रीज ये कितना आ जाएगा 0.5, तो 0.5 ही रहेगा, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करा दें, जो वैल्यू आई है मल्टीप्लाइड बाय 0.01745, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा 0.01511, 0.-0.01511, मैं अगर दोबारा से इसको वेरीफाई कर लूं, तो 0.01511, तो 0.01511, और उसके बाद नेक्स्ट है माइनस, ये इसका स्क्वायर यानी 0.01745 इसका स्क्वायर, ठीक है,
इज इक्वल टू दिस आता है, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई क्या कराना है इसके साथ, यहाँ पे अगर आप देखें तो कहाँ पे गया हमारे पास, ये हिडन है थोड़ा सा, मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 0.00152, 0.003 जीरोज हैं, 0.00 एग्जैक्टली 0.0015, ठीक है। और उसके बाद प्लस नेक्स्ट देखें तो इसका क्यूब यानी 0.01745 की का क्यूब अगर आप लें तो ये बनता है, और मल्टीप्लाइड बाय 0.866 करें, ठीक है, इज इक्वल टू दिस। और बल्कि यहाँ पे हमने एक डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हमने नहीं किया था पिछले केस में, तो वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं जी, बिकॉज ये अभी कैलकुलेटर को मैं थोड़ा सा अगर स्मॉलर साइज करूँगा तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा और ये वैल्यूज़ नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें ये जो वैल्यू हमने लिखी है, देखें ये जो वैल्यू हमने लिखी है इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से, चूंकि हमने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं कराया था। तो लिहाजा 0.01745, फिर अगेन हमें साइंटिफिक चाहिए होगा, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 होता है, 2 ही होता है, तो ये दोबारा से 0.01745 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये 0.01745 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो ये आ जाता है 0.00076, तो 0.00076 इस तरह आप इसका अब देखेंगे, जाहिर है इसका क्यूब है तो इसकी वैल्यू और 0 के क्लोज होती जाएगी, तो इसका मतलब अगर आप इन तीनों को सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी, जो कि यहाँ पे हमारे पास आती है 0.4848, तो ये है हमारे पास cos 61 degrees।